हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही यूज़फुल सा डीआईवाई लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको केक को सजाने में इस्तेमाल होने वाले चार बेसिक नोज़ल्स को बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि लीफ नोज़ल, बास्केट नोज़ल, रोज़ पेटल नोज़ल और स्टार नोज़ल। आज हम इन नोज़ल्स को बिना खर्चे के घर के वेस्ट सामान से बना करके तैयार कर लेंगे, और एक बार बना लेने के बाद, यूज़ करने के बाद भी आप इन्हें वॉश करके बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और सालों साल चलते रहते हैं। आज मैं आपको नोज़ल्स बनाना सिखाऊंगी, साथ ही नोज़ल्स को कैसे पाइपिंग बैग में फ़िट किया जाता है और उनसे कैसे डिफरेंट डिज़ाइंस हम बना सकते हैं वो मेथड भी बताऊंगी। तो बहुत ही यूज़फुल और काम आने वाला ये वीडियो है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो आज के नोजल्स को बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके के ये कोल्ड कॉफ़ी के टिन्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो होते हैं वो टिन के होते हैं। इससे हमारे नोजल्स बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोल्ड ड्रिंक के टिन्स ले सकते हैं, नहीं तो घर के टूथपेस्ट या क्रीम के टिन्स भी ले सकते हैं। पहले हम इन्हें वॉश कर लेंगे और सीजर की मदद से इन्हें कट करके इनका एक प्लेन पीस तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक एंड देखिए कट कर लिया है। इसी तरीके से मैं इसके बीच में से कट करके इसका दूसरा वाला एंड भी कट कर लूंगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स, टेट्रा पैक से भी इस तरीके के नोजल्स बना सकते हैं। बस उनके संग प्रॉब्लम ये होती है कि आप उन्हें काफ़ी लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कागज़ के होते हैं, गत्ते के होते हैं, तो धोने के बाद ख़राब हो जाते हैं। पर ये वाले नोज़ल काफ़ी समय तक चलते हैं। तो मैंने देखिए इन्हें ओपन कर लिया है। अब इनकी रफ एजेस को मैं कट कर देती हूँ, ताकि हमें एकदम प्लेन इसकी एज मिल जाए इस तरीके से। तो इन्हें मैंने कट तो कर लिया है फ्रेंड्स, लेकिन ये थोड़े राउंड होने की वजह से रोटेट हो रहे हैं, तो हम इन्हें बैक साइड में फिर से एक बार रोल कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए इस तरीके से। और ऐसे ही मैं सेकेंड वाले को भी कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एकदम फ्लैट हो चुके हैं। अब हम फ्रेंड्स एक इस टिन में से दो नोजल्स बनाएंगे। तो बिल्कुल बीचों बीच में इसे डिवाइड करके कट कर देती हूँ। इस तरीके के एक टिन से हम दो नोजल्स बना सकते हैं। मेरे पास दो टिन है, तो मैं चार नोजल्स इसमें तैयार कर लूंगी, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं नोजल्स को बनाना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस स्क्वायर को लेकर के इस तरीके से रोटेट करना होगा और एक कॉनिकल शेप बनानी होगी, जैसे कि हम मेहंदी की कोन बनाते हैं। आगे का पॉइंट एकदम पॉइंटेड हो और दूसरी वाली साइड थोड़ी चौड़ी होगी इस तरीके से। और स्टिक करने के लिए आप सेलो टेप यूज़ में ले सकते हैं, और बिल्कुल टाइटली आपको इसे स्टिक करना है। और अच्छे से सिक्योर करने के लिए आप दो बार टेप लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमारा कितना प्यारा ये कॉनिकल शेप का कोन रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के कोन्स भी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने चारों कोन्स रेडी कर लिए हैं। चलिए एक एक करके अब हम नोजल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्टार नोजल। आप देख सकते हैं मेरे पास ये मार्केट वाला नोजल है, बिल्कुल इसी के जैसा हम नोजल बनाएंगे। तो उसके लिए आगे से मैं इसी के साइज के लगभग का कुछ पीस कट कर दूंगी। अब हम फ्रेंड्स स्टार नोजल को बनाने के लिए इस पर कुछ पेन से डिजाइन बनाएंगे, ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो आपको पहले तो वी बनाना है इस तरीके से, और फिर इसी तरीके से और वी बनाना है, यानी कि आपको जिगजैग मोड में इस पूरे सर्कल को कवर कर देना है। कोशिश कीजिएगा आपके सारे वी एकदम बराबर हो, तभी आपका स्टार नोजल अच्छा बनेगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप में रोटेट करते हुए मैं ये जिगजैग डिज़ाइन बना रही हूँ। और अब हम सीजर की मदद से इन डिज़ाइंस को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप डायरेक्ट सीजर से इनको कट करते तो आपका हो सकता है स्टार नोजल एकदम एक जैसी शेप का नहीं बनता। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले पेन से इस पर मार्किंग कर लें, और फिर उसके बाद सीजर से कट करें। उससे काम आसान भी होगा और हमारा काम भी एकदम परफेक्ट होगा। तो मैं इसी डिज़ाइंस पर इनको कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पीसेस इसके कट कर लिए, और हमारा डिज़ाइन अब हूबहू बिल्कुल स्टार नोजल जैसा लग रहा है। आगे की टिप को हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे इस तरीके से, हाथों की मदद से। आप चाहें तो घर में जो
प्लकर होता है या कोई क्लिप होती है उससे भी इसे रोटेट कर सकते हैं ताकि आपको स्टार नोजल की एक परफेक्ट शेप मिल जाए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमारा नोजल बाजार के नोजल जैसा लग रहा है, बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप आ गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा घर का बना हुआ स्टार नोजल बनकर के तैयार है जो कि बिल्कुल मार्केट जैसा ही है, देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं हमारा सबसे जरूरी और केक में लीव्स को बनाने में काम आने वाला लीफ नोजल। उसके लिए मैंने फिर से ये कोन ले लिया है, आगे के थोड़े से पार्ट को मैं कट कर दूंगी इस तरीके से। अब हम फ्रेंड्स पेन से फिर से मार्किंग करेंगे, हमें मार्किंग दोनों साइड थोड़ी सी टेढ़ी करनी है इस तरीके से, और उसे भी सीजर से कट कर लेंगे। सिमेट्री का फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये देख सकते हैं आप। अब हम फ्रेंड्स बीच के पार्ट को थोड़ा सा फ्लैट करके इसके ऊपर हल्का सा वी कट देंगे, तो उसके लिए भी मैं फिर से पेन से मार्किंग कर रही हूँ जिससे कि हमारा डिज़ाइन दोनों तरफ एक जैसा आए। और बस इसे सीजर की मदद से अब हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये दो टिन हो जाते हैं एक साथ तो कटने में दिक्कत देते हैं, तो आप ओपन करके एक एक करके ही कट कीजिएगा, उससे काम आपका बहुत ही ज़्यादा नीट होगा। एक मैंने कट कर लिया है और उसी को प्रेस करके उसी के जैसा मैं दूसरा वी भी कट कर लेती हूँ। आप जितना बड़ा नोजल बनाना चाहें फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। तो लीजिए कुछ ही सेकेंडों में हमारा ये लीफ नोजल भी बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स अब बनाते हैं रोज़ पेटल नोजल। ये बहुत ही रेयर नोजल है फ्रेंड्स, मिलता भी नहीं है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको इस कॉनिकल कोन को लेना है और उसे आगे की साइड से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। पेन की मदद से आपको थोड़ा सा तिरछा एक डिज़ाइन बनाना है इस तरीके से, और फिर सीजर की मदद से उसे कट करना है। हल्की सी गोलाई देते हुए आपको इसे कट करना है इस तरीके से। आप अगर बड़ा कट देंगे फ्रेंड्स तो आपका बड़ा नोजल बन जाएगा। मैंने एकदम मीडियम साइज का नोजल बनाया है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और जो हमारा ऊंचाई वाला पार्ट था वहां पर थोड़ा सा हम इस पार्ट को खोल देंगे और जो नीचे वाली साइड है उसको प्रेस कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स कुछ ही सेकेंडों में हमने अपना रोज पेटल नोजल भी बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं हमारा बास्केट नोजल। आप देख सकते हैं इसकी किस तरीके की लुक है, बिल्कुल ऐसा ही हम अपना नोजल बनाएंगे। तो मैंने फिर से वही टिन का कॉनिकल कोन ले लिया है, आगे के पार्ट को हम फिर से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स जो पार्ट आप आगे का कट करते हैं आपका उसी के साइज का नोजल बनेगा। अगर आप बड़ा कट देंगे तो आपका नोजल बड़े साइज का बनेगा। मैं सारे नोजल्स मीडियम साइज के ही बना रही हूँ। अब हम आगे के पार्ट को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और एक साइड पेन से इस तरीके से जिगजैग डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस साइज के ये डिज़ाइन को बनाया है, और बस उसी डिज़ाइन को अब हम सीजर से कट कर देंगे। फ्रेंड्स ये वाले कट देते हुए बहुत ही ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि जरा सा कट अगर बड़ा लग गया तो नोजल की पूरी शेप बिगड़ सकती है। तो बहुत ही केयरफुली आपको इसे करना है। कट करने के बाद आप इनके पीसेस को हटा दीजिएगा और लीजिए फ्रेंड्स हमारा घर का बना हुआ रीयूजेबल बास्केट नोजल भी बन करके तैयार है। इसको आप प्रेस कर सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे नोजल की लुक देने के लिए। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हमारा ये बास्केट नोजल भी बन करके तैयार हो गया है। तो लीजिए दोस्तों बिल्कुल बाजार जैसे दिखने वाले, काम करने वाले हमने अपने चार परफेक्ट बेसिक नोजल्स बना लिए हैं। चलिए अब देखते हैं इन्हें कैसे पाइपिंग बैग में फिट किया जाता है और इनसे कैसे काम लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक पाइपिंग बैग लिया है, इसे अच्छे से हम ओपन कर लेंगे और अपने नोजल को इसमें फिट करेंगे। जितना हो सकता है हम अपने नोजल को आगे की तरफ पुश करेंगे, जहाँ तक भी हमारा नोजल आगे जा सकता है हम उसे वहाँ ले जाएंगे, और फिर अंदाज़ा ले करके हम पाइपिंग बैग को कट करेंगे। तो नोजल को हल्का सा आप बैक साइड कीजिएगा और आगे की टिप को पाइपिंग बैग की कट कर दीजिएगा। फिर से नोजल को आगे करके आप इस तरीके से अपनी पाइपिंग बैग में उसे फिट कर लीजिएगा। तो हमने फ्रेंड्स देखिए होममेड नोजल को यूज़ करके अपना पाइपिंग बैग रेडी कर लिया है। चलिए अब इसके अंदर कलरफुल क्रीम फिल करते हैं। तो जब भी आपको क्रीम फिल करनी हो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ग्लास की मदद ही लेनी चाहिए। इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट तरीके से पाइपिंग बैग में क्रीम फिल की जाती है। तो जो भी नोजल फ्रेंड्स आपको यूज़ करना हो, सभी को पाइपिंग बैग में फिट करने का तरीका यही है। इस तरीके से देखिए मैंने क्रीम फिल कर ली है और हमारा पाइपिंग बैग एकदम रेडी है। चलिए अब देखते हैं इनसे कैसे हम डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। तो बास्केट नोजल से फ्रेंड्स आप चाहें तो केक पर बास्केट जैसा बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट दे सकते हैं इस तरीके से। बस आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होती है और फिर उसी के हॉरिजॉन्टल में कुछ और लाइंस, ये देखिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप चाहें तो बास्केट नोजल से ही बॉर्डर वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आगे पीछे करके। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने लीफ नोजल को भी पाइपिंग बैग में फिट करके उसमें क्रीम फिल कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हम लीव्स बना पा रहे हैं।
इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर बना सकते हैं। लीफ नोजल को ही हल्का सा रोटेट करके अगर आप जिगजैग मोड करेंगे तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डिफरेंट स्टाइल का बॉर्डर बना पाएंगे, ये देखिए। और ऐसे ही आप लीव्स भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं स्टार नोजल को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे हमारे फ्लावर्स बन रहे हैं। और इसी तरीके से आप रोज़ फ्लावर भी स्वेल वाला बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने स्टार नोजल बड़ा वाला बनाया है तो मेरे बड़े फ्लावर्स बन रहे हैं। अगर आप छोटा स्टार नोजल बनाएंगे तो आपके छोटे फ्लावर्स बनेंगे। और ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए, मैंने रोज़ पेटल नोजल को भी रेडी किया है। और इस तरीके से आप आराम से रोज़ फ्लावर्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं ये फ्लावर्स कैसे बनते हैं तो आप उसका एक वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। तो देखिए, कुछ ही मिनटों में हमने अपने घर के बने नोजल से ये डिफरेंट और सुंदर डिजाइंस बना लिए हैं। तो अब आप फ्रेंड्स मेरे इस मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट डिफरेंट नोजल्स बना करके डिफरेंट डिफरेंट केक्स बनाइएगा। तो मेरा ये मेथड आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। फिर मिलूंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।